हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट जॉब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल में दोस्तों निकली हुई है पोस्ट, जिसमें योग्यता मांगी गई है सिर्फ 8वीं पास। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में 8वीं पास का आसपास कोई लोग रहते हैं और वो जॉब करने चाहते हैं तो इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की या कोई भी दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पश्चिम बंगाल में दोस्तों पोस्ट निकली हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल ने ड्राइवर पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस पोस्ट में दी गई पूरी जानकारी से शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक आयु सीमा, चयन का प्रक्रिया, शुल्क विवरण और आवेदन कैसे करें, सब कुछ जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हासिल कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपके लिए है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक पत्रकार को बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है, जो एशिया का दोस्तों नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैगसेसे अवार्ड किसे दिया गया है? ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है दोस्तों, ये अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है। ये हिंदुस्तान में एक पत्रकार को मिला है, उस पत्रकार का आपको कमेंट में नीचे नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, पहला है अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, रवीश कुमार या राहुल कमल। इनमें से एक आंसर आपको नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगली तरफ बढ़ते हैं इस पोस्ट के आखिर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन किस तरीके से करना है, कितनी है इसकी एग्जामिनेशन फीस, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आखिर तक जरूर जुड़े रहें। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो दोस्तों शुरू हो चुकी है 16 अगस्त से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है दोस्तों 24 सितंबर। तो अभी इसमें काफ़ी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी वीडियो 19 अगस्त 2019 को। टोटल पोस्ट जो है दोस्तों इसमें वो हैं 150। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पॉइंट जॉब्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, जो कोई भी दोस्तों अच्छी ड्राइविंग जानते हों, जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो सरकारी ड्राइवर बनना चाहते हों, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर पोस्ट करें या उनको ज़रूर शेयर करें। योग्यता क्या है दोस्तों इसमें? जैसा मैंने आपको बताया है, उम्मीदवारों को 8वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 8वीं पास या 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। वैध LMVTR और LMV CAB लाइसेंस होना आवश्यक है। LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स जो होते हैं वो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भारी लाइसेंस वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास में भारी वाहनों का दोस्तों लाइसेंस है उनको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। अब दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो ये भर्ती निकली है उसमें जो आवश्यक आयु सीमा है वो है कम से कम 21 वर्ष, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अधिकतम आयु है 40 वर्ष। सैलरी इसमें दोस्तों 11,500 रुपये से शुरुआत होगी। अब इसका चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों? इसकी चयन प्रक्रिया, 8वीं पास आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो आपके ड्राइविंग का टेस्ट होगा, और एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में हो जाएगा आपका सिलेक्शन। सही है, इसमें दोस्तों बस एक ही प्राथमिकता लोगों को दी जाएगी, जिनके पास में हैवी व्हीकल लाइसेंस है वो उन लोगों को थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं तो इस पोस्ट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों चलते हैं और देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में दोस्तों यही सारी बातें लिखी हुई हैं, बस मैंने आपको शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन पहले ही बता दिया है जो इसमें है। ये जो टोटल पेपर या सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें 95 मार्क्स होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 95 मार्क्स, और इसमें से अलग अलग 40 मार्क्स जो होंगे दोस्तों वो किसके लिए होंगे? कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ प्रैक्टिकल टेस्ट ऑन ड्राइविंग। 40 मार्क्स जो होंगे वो आपके ड्राइविंग टेस्ट के होंगे, और उसी हिसाब से 5 मार्क्स जो होंगे आपके लाइसेंस को देखकर बनाए जाएंगे, और जो 30 मार्क्स होंगे वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से होंगे। उसी के हिसाब से दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसका आवेदन दोस्तों या तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसे भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप इसका आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ जाएं, और यहाँ जाने के बाद में सबसे पहले कर लें आप लॉगिन। ये है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट।
सही है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है, पहली बार आप इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर लॉगिन करें और उसके बाद में आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को भर के फिल कर दें। ये दोस्तों आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद में ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को आपको भर के जमा करना है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम पॉइंट जॉब्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नौकरी की नोटिफिकेशन है हम वो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।